गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे भाई? होपफुली एकदम बढ़िया से आप एंजॉय कर रहे हैं, है ना। देखिए, मिसिंग नंबर्स की जो सीरीज हमने रोकी हुई थी बीच में, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले 5 पार्ट्स जो है मिसिंग नंबर्स के, वो अपलोड किए जा चुके हैं। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्ट नंबर 6 को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कवर किए जाएंगे फ्रॉम 29 टू क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। इससे पहले 28 क्वेश्चन जो है वो आपके पास पहुंच चुके हैं टोटल 5 वीडियोज की फॉर्म में, ठीक है। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करो तो बी है, एच है, एल है, जे है और फिर पी है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो यहाँ पर आएगा, है ना, यानी कि कौन सा लेटर जो यहाँ पर होगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार, अगर आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको ये चैप्टर मिसिंग नंबर्स जो है ये आपको कितने अच्छे से आता है, या फिर आपके माइंड की कैपेबिलिटी कितनी है, लॉजिक्स को कितनी जल्दी आप क्रैक कर लेते हो, इसके लिए बेटर क्या है कि आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए। आपके पास देखिए सारे के सारे जो यहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। एक बार सेल्फ ट्राई करके देखो यार कि कितने क्वेश्चंस आप तो, कितने क्वेश्चंस के लॉजिक्स आप क्रैक कर पाते हैं, ठीक है। उस बेसिस पे आप अपने आप को जज कर सकते हो कि भाई कितने आप मतलब मिसिंग नंबर्स में कितनी आपको कमांड है और कितना अभी भी वर्कआउट करने की जरूरत है ना, मतलब कितनी प्रैक्टिस करने की इस पर जरूरत है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखिए बी, अगर मैं बात करूँ बी, तो बी की वैल्यू कितनी होती है यार वैसे? 2, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी होती है? 8। एल की वैल्यू? 12। जे की वैल्यू? 10। और पी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 16। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अब जरा एक चीज ऑब्जर्व करो, ठीक, 2 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना? 6 का, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस है 6 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया? 4 का। हो सकता है ऐसा चल रहा है कि यहाँ 6 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस, और देखो है भी 2 का डिफरेंस, लेकिन फिर 2 के बाद फिर यहाँ पे 0 का डिफरेंस होना चाहिए ना, क्योंकि पैटर्न क्या होगा भाई, 6 फिर 4 फिर 2, मतलब 2-2 कम हो रहे हैं, इवन नंबर्स में 2-2 की डिक्रीमेंट हो रहा है ना, लेकिन वो हो नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पर फिर 0 आना चाहिए था डिफरेंस के बीच में, मतलब जो लेटर यहाँ पर हो वही लेटर यहाँ पर हो, ये लॉजिक तो गया फेल, है ना। अब जरा देखो इसमें जो लॉजिक लगा मैं आपको वो बताता हूँ। देखो ये 2 है और ये वाला 10 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई बताओ? 8 का है, कन्फर्म, ठीक। इसके बाद देखिए ये 8 और ये 16, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ये भी 8 का। बात समझ में आ रही है ना, मतलब जो एक दूसरे के ऑपोजिट में लिखे हैं ना, इनका जो डिफरेंस है कितना है यार? वो 8 है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह अगर यहाँ पर 12 है तो फिर यहाँ पर क्या आए कि भाई डिफरेंस कितने का हो जाए? 8 का। अब देखो चांसेस क्या है 2 नंबर्स आने के, या तो यार यहाँ पे 4 आ जाए, तो भी देखो 4 और 12 का डिफरेंस कितना होता है? 8। या फिर यहाँ पर कितना आ जाए? दूसरा नंबर 20 आ जाए, क्योंकि 20 और 12 का डिफरेंस भी अभी कितना होता है? 8 होता है। लेकिन या तो ऑप्शन 4 हो सकता है या तो 20 होता है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि यार कौन सा ऑप्शन सही है, उसको समझो। 2 था तो 2 के ऑपोजिट में 2 से बड़ा नंबर लिखा है, 8 जोड़ के लिखा गया है ना। 8 था, 8 के बाद जो सामने लिखा हुआ 16, ये क्या है? ये इसमें 8 जोड़ कर लिखा गया, मतलब उससे बड़ा नंबर है। तो यार 12 से भी तो 8 जोड़ के बड़ा नंबर वाला आंसर होगा आपका, यानी कि 4 नहीं हो सकता, हमारा आंसर क्या होगा? 20। बात समझ में आ रहा है? तो 20 होगा तो 20 पे वैल्यू कितनी होती है भैया? बी होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। ओके, होपफुली क्लियर है भाई, है ना। यार अगर लॉजिक समझ में आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स जो है ना उसमें प्लीज कमेंट किया करो कि हाँ यार समझ में आ गई चीज। ओके, नेक्स्ट देखो OPI, यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, अगर एक तरह से देखें ई है, डी है, के है और एल है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस प्लेस पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, देखो कौन सा लेटर आएगा। अब जरा देखो ध्यान से, काफी डिफरेंट लॉजिक है, काफी अच्छा लॉजिक। ऑब्जर्व करो कि अगर ये जो आपको दिख रहा है बीच में, ये एक हाफ है ना, मतलब इसके ऊपर कुछ लेटर्स, इसके नीचे कुछ लेटर्स, काफी एक इंपॉर्टेंट लॉजिक होगा, दिखना ध्यान से। अगर मैं बात करूँ के और एल, मेरे ख्याल के और एल एक दूसरे के साथ आते हैं, मतलब के आई जे के एल एक तरह से ना, के एल, के एल के बाद देखो क्या नहीं है हमारे पास? एम और एन हमारे पास नहीं है। उसके बाद क्या आ गया? और पी आ गया। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है कि के एल के बाद एम एन का गैप किया गया और ओपी लिख दिया गया, ठीक। ऐसे ही नीचे देखना डी ई है, ई के बाद क्या होता है? एफ और जी। अगर आप इनका गैप कर दें तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए? एच और आई आना चाहिए, है ना। तो देखो आई है कि नहीं है, और एच आपके ऑप्शन में है, लिख रहा है आपको, एच लिखा हुआ था, ठीक है। तो यानी कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है, के एल के बाद एम एन का गैप देखिए ओपी, और नीचे क्या हो रहा है? डी ई के बाद एफ जी का गैप देखिए क्या हो गया? एच। समझ में आ रहा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? कैपिटल एच, ठीक। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे। एस वी वाई 11 8 5 यहाँ पर भी,
अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी लगभग सेम लॉजिक है, बस यहाँ पर क्या है ऊपर लेटर्स है नीचे क्या है डिजिट्स आ गई। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसे भी एक हाफ में क्या करूं ब्रेक करूं, तो जरा देखना पी एस वी और वाई है ना। अगर यहां पर देखो पी, तो पी की वैल्यू कितनी होती है 16, एस की वैल्यू कितनी होती है 19 है ना, एस की वैल्यू कितनी हो गई 19 हो गई ठीक है। वी की अगर बात करें तो वी पे होता है 22 और वाई की अगर बात करी जाए तो वाई पे कितना होता है 25 होता है। यहाँ तक मेरे ख्याल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ठीक है। इसके बाद जरा देखना 11, 11 है यहाँ पर 8 है ना, तो 11 और 8 के बीच में डिफरेंस कितने का है 3 का, 8 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है 3 का, और यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है। अब जरा देखना 16 और 19 के बीच में 3 का डिफरेंस, 19 और 22 के बीच में भी 3 का डिफरेंस, 22 और 25 के बीच में भी 3 का डिफरेंस ठीक है। ये वाली तो वैल्यू ऊपर से आपको दिख रही है, यानी कि ऊपर ऊपर सब में 3 3 का डिफरेंस चल रहा है। ऐसे जरा नीचे देखो, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, ऐसे ही 8 और 5 में 3 का डिफरेंस, तो अब यहाँ पर भी क्या होगा 3 का ही डिफरेंस होगा, और 3 का जब डिफरेंस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2 आएगी, क्योंकि जरा देखना यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही है ठीक है 16 19 22 25, लेकिन नीचे वैल्यू क्या हो रही है घट रही है। देखो 11 11 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद क्या होगा 2 होगा, यानी कि मेरा आंसर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ठीक है। तो ऊपर भी 3 3 के डिफरेंस पे लेटर्स अरेंज किए गए हैं, नीचे 3 3 के डिफरेंस पे डिजिट्स को अरेंज किया ठीक है, क्लियर है ना। अगला चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट वाला, काफी अच्छा लॉजिक है ध्यान समझो। एल डी और यहाँ पर लिखा है 3 ठीक है, आई सी का 3, जेड भी यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा, ओ ई की वैल्यू नीचे दी गई है 3 ठीक। मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से सेल्फ कोशिश करिए कि भाई कितना इसमें आप कौन सा लॉजिक क्रैक कर रहे हो, आप कैसे क्रैक करो, आंसर क्या करोगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। खैर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन एक बार, काफी अच्छा है। एल एल की वैल्यू कितनी होती है अगर हम बात करें 12 ठीक है, और डी डी की वैल्यू कितनी होती है 4, क्या करें कि 3 आ जाए, मेरे ख्याल से डिवाइड कर दो है ना, 12 को 4 से डिवाइड करो देखो 3 आ रहा है, समझ में आ रहा है ठीक। अगला देखो आई सी, आई की वैल्यू कितनी होती है यार 9, और सी की वैल्यू कितनी होती है 3, क्या करें कि 3 आ जाए डिवाइड, सीधी सी बात है जो लॉजिक ऊपर लगाया आपने वही हर में लगेगा, तो 3 से डिवाइड करो देखो 3 आ रहा है ये वाला ठीक। पीछे देखो जेड और बी आपको यही चीज निकालनी है, खैर उससे पहले इसको जरा वेरीफाई कर लो है ना, ओ की वैल्यू कितनी होती है 15, इसको डिवाइड करोगे किससे ई, ई की वैल्यू कितनी होती है 5, देखो 15 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन अब पता क्या होता है ऑप्शन में देखो यहाँ पर क्या लिखा है 3। अब बच्चे क्या करते हैं, मान लो कि इन केस लॉजिक ना क्रैक कर पाए तो वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 हो सकता है यहाँ पर भी 3 है, वो क्या करते हैं 3 को मार देंगे आंसर में और गलत होगा है ना। इस बार तो आपको पता है कि मतलब पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है कि सीजीएल में क्योंकि 25-25 क्वेश्चन हो चुके हैं हर एक सब्जेक्ट के, तो रीजनिंग में हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का भाई 2 मार्क्स का है ना, और 2 मार्क्स होने के साथ साथ अगर आप गलत करते हो तो आपके आधे नंबर के नेगेटिव है, ये भी आप जानते हो, तो रिस्क नहीं लेना है ना। अब देखो जेड है, जेड की वैल्यू कितनी होगी 26, और बी बी की वैल्यू कितनी होगी 2, तो अगर यहाँ पर आप देखो तो डिवाइड करोगे 2 से 26 को काटो कितना आएगा आंसर 13 आएगा, यानी कि इस सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा 13 होगा ठीक। तो 3 मत करिएगा 13 कीजिएगा ठीक है, तो होपफुली आपको लॉजिक इस क्वेश्चन का समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ ठीक है। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करिए तो देखिए सी एन की वैल्यू 21 है, टीवी की वैल्यू यहाँ पे 220, एफ के की वैल्यू 33, एल आई की वैल्यू आपसे पूछी गई ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से जरा यार इसको समझो क्वेश्चन को, अगर हम बात करें सी की तो सी की वैल्यू कितनी होती है 3 ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी होती है 40 ठीक, क्या करेंगे एक के साथ। फॉर एग्जाम्पल चलो अगर हम एक बार ऐड करके देखें तो 14 + 3 = 17 ही होता है, 21 आया नहीं है ना, जरा मल्टीप्लाई करके देखो 14 × 3 = 40, आपको पता है कि 42 तो हमें मिल रहा है यार, मेरे ख्याल से 21 को देख के इतना तो माइंड में आ जाता है ना कि 42 का आधा ही होगा है कि नहीं, तो एक बार देखते हैं आधा करके, या तो 21 आ रहा है। नेक्स्ट जरा चेक करो टी, टी की वैल्यू कितनी होती है 20, और वी वी की वैल्यू कितनी होती है 22 ठीक है, प्रोडक्ट करो यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 440, और एक बार आधा करो तो कितना आ जाएगा 220, तो देखो लिखा भी क्या है 220, मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक थोड़ा सा क्रैक तो हुआ है, और इसकी लॉजिक जो है वो पूरी तरह से यही है, इसको प्रूफ कौन कर देगा अगला वाला, अगर एफ के की वैल्यू भी इस लॉजिक से 33 आ जाए तो मतलब कन्फर्म है आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एफ की वैल्यू 6 और के की वैल्यू 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो 66, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 सही है, तो देखो 33 आ गया, तो यानी कि यहाँ पर भी गिवन है, मतलब आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है। तो अगर ठीक है तो एल आई में भी वही चीज अप्लाई कर दीजिए, देखिए एल की वैल्यू 12 है, आई की वैल्यू है 9 ठीक, 12 × 9 का कितना होता है यार 108, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे आपका आंसर कितना हो जाएगा 54, यानी कि इस
क्वेश्चन के लिए आपका आंसर कितना है 50, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करिएगा 50, ओके, बात समझ में आ रही है यार। हाँ जी, अब जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 को, देखो बहुत इजी लॉजिक है सबसे, मेरे ख्याल इस पूरे 6 क्वेश्चन में से सबसे इजी यही वाला, देखो ध्यान से, बी की वैल्यू कितनी होती है 2 और सी की वैल्यू कितनी होती है 3, देखो 2 प्लस 3 करो क्या से 5 आ जाएगा, सिंपल है कि नहीं, टी देखो टी की वैल्यू होती है 20, आर की वैल्यू होती है 18, 20 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा 38, देखिए 38 लिखा है कि नहीं, ठीक। इसके बाद देखो एल और जे, एल की वैल्यू 12 और जी की वैल्यू होती है 7, 12 प्लस 7 के लिए कितना आ जाएगा 19 यानी कि 19। इसी तरह से x और n की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू होती है 24 और n की वैल्यू कितनी होती है 40, ठीक है, तो 24 प्लस 14 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर आपके यहाँ से 38, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपका आंसर क्या होगा 38, ठीक है, और 38 आपको ऑप्शन नंबर सी में। वही तो आपको बताया कि भाई CHSL के जितने भी एग्जाम्स हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, CGL का एग्जाम जो है वो होने वाला है या तो अगस्त में होगा नहीं तो अगस्त के बाद सितंबर का जो मंथ है उसमें होगा, तो अपने जो प्रिपरेशन है उसे प्लीज फोकस रहिए, उसको प्रिपरेशन को अपनी प्लीज करते रहिए, जिससे कि अगर एग्जाम होता है तो आप उसमें अच्छे से उसे क्रैक कर लें, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोशिश कीजिए कि क्रैक कर लीजिए, ठीक। तो यार अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो का जो कंटेंट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और इसे जितना ज्यादा हो सके यार उतना शेयर करो, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।